कोरोना महामारी के इस दौर में जब खुद अपने ही मदद करने से मुंह फेर रहे हैं, ऐसी संकट की घड़ी में उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कोरोना से सताए हुए लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके परिजन भी उनके साथ नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में आज समाज की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। आजकल कई किस्से ऐसे भी सुनने को मिल रहे हैं जब लोग अपने ही खास नाते रिश्तेदारों के कोरोना संक्रमित शवों को बीमारी की वजह से कंधा तक देने को तैयार नहीं हो रहे। आलम यह है कि परिवार में अगर कोई इकलौती इंसान की मौत हो रही है तो मृतक का अंतिम संस्कार कैसे हो, पूरा परिवार इसके लिए लाचार नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में एसडीआरएफ और उत्तराखंड की मित्र पुलिस मजबूर और लाचार लोगों के लिए देवदूत साबित हो रही है। वो रोजाना अस्पताल से संक्रमित शवों को उठाकर उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करा रही है। साथ ही कई बीमार लोगों के लिए एसडीआरएफ उनके घर तक दवाइयां भी भिजवा रही है, जिससे कोरोना से सताए लोगों को काफी राहत मिल रही है। एसडीआरएफ यहाँ पर जितना भी उत्तराखंड में जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, प्लस जो होम आइसोलेटेड लोग हैं जिन्होंने कि अपना टेस्ट करा लिया, उनका आईसीएमआर नंबर जनरेट हुआ है, ऐसे लोगों का लिस्ट हम लोगों के पास पहुंच जाता है और उसके बाद उनको एक क्वेश्चनरी हमने बना रखा है, उसमें 15 अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को पूछते हुए वो मरीज की क्या स्थिति है वो उसका अपडेट लिया जाता है कि क्या उनके स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुधार हो रहा है, क्या वो कितना रिकवर कर पा रहे हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मॉनिटरिंग भी करा रही है और पीआरडी के जवानों की मदद से कंट्रोल रूम बनाकर होम आइसोलेशन में रह रहे हर एक मरीज का हेल्थ स्टेटस चेक करा रही है। इसके अलावा अगर मरीज को डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ती है तो ये टीम डॉक्टर से मरीज की बात भी करा रही है। यही नहीं, कई बीमार मरीजों के घर तक एसडीआरएफ की टीम दवाइयां भी पहुंचा रही है। इसके लिए एसडीआरएफ ने 14 टीमें बनाई हुई हैं, जो घर घर जाकर कोरोना संक्रमितों को दवाई की किट पहुंचाने का काम कर रही है। ये जो दवा वितरण का कार्य है ये संपूर्ण उत्तराखंड के जो 4 हमारे मैदानी जनपद हैं जहाँ पर कोविड संक्रमितों की संख्या में भी कुछ बढ़ोतरी बीच में देखने को मिली थी, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसडीआरएफ का सहयोग लिया गया। तो ये जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर और गढ़वाल मंडल में हमारे देहरादून और हरिद्वार में दवा वितरण का कार्य भी किया जा रहा है, जो कि हमें मेडिकल किट ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी जनपद देहरादून में ये जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार मुझे मिली हुई है और हम अभी तक 6,000 लोगों तक होम डिलीवरी करा चुके हैं दवा का। 6,000 किट हमारी अभी तक वितरित हो चुकी है। इसका डेली का डाटा हम तक पहुंच जाता है, शाम को 6 बजे तक हमें पहुंच जाता है। उसके बाद हम कॉलिंग पे उन सारी लिस्ट को लगाते हैं, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है उनके घर तक अगले दिन दवा पहुंच जाती है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां अपने प्रियजनों के मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, ऐसे समय में पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ऐसे लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। ये यूं कहें, पुलिस प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम हेल्पिंग हैंड साबित हो रही है। एसडीआरएफ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्रदेश में 14 ऐसी टीमें बनाई हैं जो घर घर जाकर संक्रमित मरीजों के लिए दवाई किट भेज रही है, जिससे उन लोगों को काफ़ी राहत पहुँच रही है। अपने सहयोगी सुनील के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।